स्टेटमेंट में डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट, सेलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव और जंप स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन किस बेसिस पे हो सकता है? इफ करके कंडीशन हम चेक कर सकते हैं या स्विच करके चेक कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे लूप स्टेटमेंट, जिसमें चार तरह के लूप देखेंगे, डू व्हाइल, व्हाइल, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। तीसरा जंप स्टेटमेंट, जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू, ये दो जंप स्टेटमेंट है, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है? जैसे हम रियल वर्ल्ड में इफ कब लगाते हैं, है ना, कोई क्वेश्चन होता मन में, इफ अगर ऐसा हो तो क्या होगा, है ना, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ या क्या होगा। तो इफ स्टेटमेंट हम एक कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए यूज करते हैं। एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज डायवर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक कंडीशन। जो कंडीशन चेक करने जा रहे हैं, इवेलुएट करने जा रहे हैं, उस कंडीशन के बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन, प्रोग्राम डाइवर्ट होगा कि किधर जाना है। इफ फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इफ ए ग्रेटर देन 5, हमने क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दिया, अगर ए की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाए, वरना की तो अभी बात ही नहीं हो रही है ना, सिर्फ इफ की बात हो रही है। तो इफ अगर ऐसा है तो ये रन हो जाए, वरना कंट्रोल बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, एंड हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट गिव्स अ बुलियन वैल्यू, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये रन करेगा, फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। और दो इसमें जो हम देखेंगे, चार तरह के इफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट, जिसमें एक इफ होता है, इफ एल्स। अब इसमें इफ जो देखा आपने, इसमें अगर ट्रू होगा तो ये रन कर जाएगा। अब इफ एल्स में क्या होगा, यहाँ एल्स लगाएंगे, अगर ट्रू नहीं है तो इसको रन करें, इफ ए ट्रू है तो इसको रन करें, एल्स इसको करें, इफ एल्स दोनों चीजें साथ में। इफ एल्स इफ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी जो होती है, उस तरीके से इफ एल्स इफ मल्टीपल यूज होंगे। नेस्टेड इफ मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। अब क्या है इसका सिंटेक्स, इफ और उसकी कंडीशन। जैसे मैंने इफ यहाँ पे आप दे दीजिए ए ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन हो गया ए ग्रेटर देन 5, ये रन होगा, एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू। देखिए ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होगा। तो इफ में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि एल्स इसमें हम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। इफ एल्स जब करेंगे तो यहाँ पे एल्स लगाएंगे, एल्स और एल्स का स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो इफ एल्स, इफ एल्स इफ लेटर था, तो इफ एल्स, अगर इफ एल्स और फिर यहाँ पे इफ देंगे, ठीक है। एल्स में आ गया, फिर से इफ चेक किया, तो ये लेटर ऐसे बनता है, ठीक है। नेस्टेड इफ क्या होता है, अगर चेक किया इफ ए इक्वल टू, ए इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए कोई एनिमल है, ठीक है। ये अगर इफ ए इज एनिमल तो फिर अंदर आएंगे, ट्रू होगी ना कंडीशन, तो ट्रू हो गया मतलब इस बॉडी के अंदर एंटर कर गए, ये एनिमल है। लेकिन फिर देखेंगे इफ ए इज डॉग, अगर ए एनिमल है तो इस बॉडी में आ गया, फिर चेक करेंगे क्या ये डॉग है तो स्टेटमेंट रन करें, और नहीं है तो फिर बाहर आ जाए इस बॉडी के अंदर से, यहाँ से बाहर आ जाए कंट्रोल, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब इसे कॉपी पे पेन से बनाओगे ना, पेन से कॉपी पे बनाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कैसे काम करती है। देन स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के जैसा है। इफ एल्स, इसमें तीन चीज़ें, इफ एल्स फिर इफ, है ना, इफ एल्स, एल्स के अंदर फिर इफ आ रहा है। तो इफ एल्स इफ जो होता है कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, इसलिए हम इसके अल्टरनेटिव में हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं केसेस, और एक सिंगल केस एग्जीक्यूट होता है बेस्ड ऑन द वेरिएबल विच इज बीइंग स्विच्ड। बहुत सारे केसेस होंगे लेकिन उसमें से सिर्फ एक केस रन करेगा जो मैच करेगा वेरिएबल को। द स्विच स्टेटमेंट इज इजियर टू यूज, मैंने जैसा बताया कि ज़्यादा ईजी होता है यूज करना, इसलिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। और ये कोड जो आप करते हैं प्रोग्राम, उसके रीडेबिलिटी को एनहांस करता है,
रीडेबिलिटी मतलब उसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी, इजीली आप समझ सकते हैं कहाँ क्या कोड जा रहा है। इफ एल्स कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किस इफ के अंदर कौन सा एल्स है, कौन से एल्स के अंदर इफ है, ठीक है। अब सिंटेक्स देखिए स्विच स्टेटमेंट की, स्विच यहाँ पे वर्ड लिखेंगे स्विच, उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे डालेंगे और ये बॉडीज की स्टार्ट हो गए, यहाँ पे केसेस होंगे केस वन से लेके केस एन तक और लास्ट में एक डिफॉल्ट केस होता है, ठीक है। इसको डिटेल में मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा कैसे होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हर केस के बाद जो स्टेटमेंट एंड हो रहा है वहाँ पे ब्रेक करना है इसको, ब्रेक। ब्रेक क्या काम करता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। स्विच के बाद कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद आता है हमारा लूप स्टेटमेंट। लूप मतलब किसी भी चीज को बार 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 रिपीटेडली आपको रन करना है एक ही चीज को, तो वहां पे हमें लूप की जरूरत होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इन प्रोग्रामिंग समटाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली व्हाइल सम कंडीशन वैल्यूज या कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। किसी चीज को हमारा पर्पस है कि उसको बार बार रन करें, तो बार बार कोड लिखेंगे नहीं ना, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अगर 100 बार रन करना तो 100 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है उसके लिए हम यूज़ करें लूप, वहाँ पे एक लाइन में ही सारा काम आपका हो रहा है। हाउएवर लूप स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन रिपीटेड ऑर्डर, रिपीटेड ऑर्डर में होगा ऑब्वियसली। द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर कंडीशन, जो भी हम कंडीशन देंगे वो अगर मैच होता है तो वो रन करेगा, ठीक है। तो इसमें जो जावा में लूप हैं वो चार तरह के हैं, चौथा कौन सा था, फोर ईच लूप, ठीक है, फोर ईच लूप। पहला हो गया फोर, दूसरा हो गया वाइल, डू वाइल और फोर ईच लूप, चार लूप हैं। तो सबसे देखिए फोर लूप जो ज़्यादा आपको सुनने को देखने को हर प्रोग्रामिंग में मिलेगा, फोर लूप ज़्यादा इजी है यूज़ करना और लोग यही यूज़ करते हैं फोर लूप को ज़्यादा, क्यों करते हैं। अब इसका क्या है, चाहे जावा हो चाहे सी हो चाहे सी प्लस प्लस हो, स्ट्रक्चर हर जगह लूप का सेम है। इट फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप इनेबल्स अस टू इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल, इनिशियलाइज करेगा पहले, यहाँ पे आप मैच करते रहिए क्या कर रहा है फोर का, यहाँ क्या है सिंटेक्स फोर इनिशियलाइज, फिर इनिशियलाइजेशन यानी कि वेरिएबल जो लूप में जा रहा है उसको इनिशियलाइज करेंगे। चेक द कंडीशन, कंडीशन को चेक कर रहे हैं, दूसरा कॉमा करना है, ठीक है ना, पहले इनिशियलाइज देन कॉमा देन कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे जो हम यहाँ चेक कर रहे हैं उस कंडीशन को। वी यूज द फोर लूप ओनली व्हेन वी एक्सपेक्ट, हमें जब पता एग्जैक्टली पता हो कि कितने बार रन करना है, हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, तब हम यूज करते हैं फोर लूप को, ठीक है। अब इसका आप डायग्राम से आप समझ लीजिए कैसे काम कर रहा है फोर लूप। यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने इनिशियलाइज कर दिया फोर, यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दिया ए वन से रन करना शुरू करेगा, ए की वैल्यू वन है तब स्टार्ट हुआ। यहाँ कंडीशन चेक किया, हमने कंडीशन दे दिया ए लेस देन 10, ये हमने कंडीशन दे दिया कि ए, कंडीशन चेक किया ए यहाँ पे क्या है 1, कंडीशन देखा कि क्या 1 10 से छोटा है, ट्रू है, ट्रू है तो यहाँ पे जाएगा स्टेटमेंट पे, जो स्टेटमेंट देंगे उसको रन करेगा और रन करने के बाद फिर से आएगा, फिर देखेगा इंक्रीमेंट हो जाएगी ना एक बार वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट भी होगी ए प्लस प्लस फॉर एग्जाम्पल, तो ए की वैल्यू पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी, फिर देखेगा 2 10 से छोटा है, हाँ है, फिर ट्रू हुआ, फिर ये रन करेगा, जब तक ट्रू हो तो इसी लूप में घूमता रहेगा ये। अब मान लीजिए ए इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे 10 बार के बाद, देखिए ए मतलब 10 10 से छोटा है नहीं, 10 तो 10 के बराबर है, फॉल्स हो गया, इधर आ गया टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे फोर लूप काम करता है। देन है फोर ईच लूप, फोर ईच लूप, ठीक है। फोर ईच लूप जावा में नया है, सी प्लस प्लस में नहीं होता, सी में नहीं होता, जावा में होता है ये फोर ईच लूप। जावा प्रोवाइड्स एन एनहांस्ड फोर लूप, एनहांस्ड लूप फोर लूप का एक एनहांस्ड वर्जन है जिसका सिर्फ एक पर्पस होता है, क्या,
टू ट्रेवर्स द डेटा स्ट्रक्चर, एरे या कलेक्शन। ट्रेवर्स करने का मतलब क्या होता है, ये एरे है, फॉर एग्जाम्पल ए एक एरे है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, तीन चार वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ट्रेवर्स मतलब हर एक वैल्यू को जाके चेक करेगा मैच करने के लिए, क्या ये हम जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें है कि नहीं है, ठीक है। तो वो होते ट्रेवर्सिंग। इन द फॉरिच लूप वी डोंट नीड टू अपडेट द लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल को अपडेट नहीं करने की जरूरत है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, फोर ईच में भी फोर लिखते हैं, लेकिन अंदर फोर लूप में क्या होता था, यहाँ इनिशियलाइजेशन होता था, कंडीशन होता था और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन इसमें क्या है, फोर डेटा टाइप, फिर वेरिएबल, एरे का नाम या कलेक्शन का नाम जिसे ट्रेवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें तीन कंडीशन, तीन चीजें नहीं होती जो उसमें था। पर ये वेर लिखना होता है, वेर वेर मतलब वेरिएबल का नाम। अच्छा, वेरिएबल का नाम लिखना है डेटा टाइप। हाँ, डेटा और कोलन के बाद एरे जिसको ट्रेवर्स करना है उस एरे को देंगे आप एरे या कलेक्शन का नाम। जैसे यहाँ पे एरे का नाम ए है तो यहाँ ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का कौन से वेरिएबल का नाम लिखेंगे सर? वेरिएबल का नाम आप ऐसे लिखोगे ना, फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है, मतलब सी, ठीक है, सी इक्वल टू हम दे देते हैं यहाँ पे टी, कैपिटल टी, ठीक है। सी एक हमारा वेरिएबल है कैपिटल टी, ठीक है। इसमें क्यों दिया सिंगल कोटेशन में, क्योंकि ऐसे ही हम कैरेक्टर को लिखते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो C इक्वल टू T मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टाइप वेरिएबल है, तो ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर्ड है कैरेक्टर टाइप, तो यहाँ पे सिर्फ C लिखेंगे आप, ठीक है। C कोलन A चेक करेगा कि C में जो वैल्यू है T ये A लिस्ट में है कि नहीं है, ऐसा काम करता है। अच्छा, A लिस्ट अलग से डिफाइंड होगी सर? ए तो एरे, ए तो मैंने नाम दिया ना, वो तो एरे या कलेक्शन होगा, उसका कुछ भी नाम होगा। हाँ, जो भी अरे मतलब सर हम डिफाइन करेंगे। सिंपल आप ऐसे देखिए, एक दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली स्टेट है, ठीक है, दिल्ली एक पूरा एरे या कलेक्शन है, उसमें हम यहाँ चेक करेंगे कि दिल्ली में छतरपुर नाम की कोई जगह है कि नहीं। तो ये वाला कोलन से पहले आगे कंडीशन जो हम चेक करना चाहते हैं वो, और जहाँ चेक करना चाहते हैं वो कोलन के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ट्रेवर्स सर्चिंग हो गई एक तरह के, ठीक है। मतलब सर दोनों हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी रहेंगे? हाँ, ये अवेलेबल रहेंगे, बस कंडीशन चेक करेंगे कि ये जो हमें ढूंढना है ये उस लिस्ट में है कि नहीं। अब दो चार तो हो गए ना, जब फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे फॉर ईच सिर्फ सर चेक ट्रैवर्स करने के लिए ही है। हाँ, ट्रैवर्सिंग के लिए यूज होता है। बाकी कुछ मतलब कोई फंक्शन या कुछ हम परफॉर्म करना चाहें उसके लिए नहीं यूज कर सकते, ये चेकिंग के लिए यूज होता है, सर्चिंग आप कह सकते हो, ट्रैवर्सिंग। हाँ, क्वेरी वगैरह करने। हाँ, ठीक है, राइट। तो ये तो इसमें क्लियर हो ही गया, यहाँ स्टार्ट होगा प्रोग्राम, कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये अब इसके बाद आता है डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है, पहले डू देन वाइल, पहले कोई काम आप करवा रहे हो फिर कंडीशन चेक कर रहे हो। तो डू वाइल लूप चेक्स द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप स्टेटमेंट, पहले लूप स्टेटमेंट को रन कर देता है फिर जाके कंडीशन चेक करता है, ठीक है। When the number of iteration is not known and we have to execute the loop at least once, तो हम यूज करते हैं डू वाइल लूप। फोर लूप में क्या कर रहे थे हम, जब हमें पता है कि कितने बार लूप को चलाना है तो फोर लूप यूज करते हैं, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कितने बार लूप चलेगा, हमें आइडिया नहीं है कितने बार में ये काम होगा हमारा, तो और एक बार हमें रन करके देखना ही है, तो उस केस में डू वाइल करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट, दो तरह के लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। तो एग्जिट कंट्रोल है, एग्जिट कंट्रोल क्यों, क्योंकि एग्जिट पे जाके कंडीशन चेक हो रही है, बाकी लूप में एंट्री पे हो जाता है, तो एंट्री कंट्रोल, एंट्री लेवल पे ही कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस में चेक नहीं हो रहा है, बाद में जाके चेक हो रहा है, इसलिए ये एग्जिट कंट्रोल है, ठीक है।
तो ये एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल दो तरह के हैं, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखिए, डू मतलब पहले हमने काम करवा लिया, डू ये वाला काम हम करना है, फिर जाके चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है कि नहीं। ट्रू है तो फिर आ जाएगा फिर ये स्टेटमेंट पे, और फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डू व्हाइल। और व्हाइल में क्या होगा, व्हाइल में इसी में समझ लीजिए, व्हाइल में ये डू यहाँ नहीं होगा। ठीक है, डू की जरूरत नहीं है ना, सीधा व्हाइल होगा। व्हाइल कंडीशन, व्हाइल यहाँ कंडीशन दे दिया, फॉर एग्जांपल ए जब तक 10 से कम है, यहाँ कंडीशन ही चेक हो गया, तब तक ये रन करो वरना बाहर चला जाएगा फिर। लेकिन डू में क्या, डू और व्हाइल दो चीज़ें हैं। इसके बाद जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट दो था, कौन कौन, ब्रेक और कंटिन्यू। तो जंप स्टेटमेंट बेसिकली होते क्या हैं, ये यूज होते हैं टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट। हमारे प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, तो अगर किसी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे हमारा प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर करना है तो हम यूज करेंगे जंप स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब जंप स्टेटमेंट्स ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एक पार्ट से दूसरे पार्ट। दो तरह के होते हैं जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक में क्या होगा, नाम से पता लग रहा है ब्रेक, कोई भी नॉर्मल फ्लो को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक नॉर्मल करंट फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का, उसको वहाँ पे ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि कोई लूप चला रहे हैं तो लूप में आपको चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन मैच होने के बाद उसको अब ब्रेक कराना चाहते हैं कि लूप से बाहर आ जाए, तो लूप में यूज़ कर लेंगे। स्विच में जैसे यूज था ब्रेक हर कंडीशन के बाद, हर केस के बाद, तो वहाँ पे ब्रेक यूज़ हो रहा था। ब्रेक यूज़ नहीं करने से क्या होगा कि कंडीशन मैच होने के बाद भी वो रन होता जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो मेमोरी भी जा रही है, टाइम भी जा रहा है, दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाउएवर इट ब्रेक्स ओनली द इनर लूप इन केस ऑफ नेस्टेड लूप। अगर नेस्टेड लूप चला रहे हैं, नेस्टेड लूप क्या होता है, जैसे नेस्टेड इफ था एक इफ के अंदर दूसरा इफ, वैसे नेस्टेड लूप होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो जिस लूप में अगर इंटरनल वाले में हमने ब्रेक लगाया तो सिर्फ इंटरनल वाला एंड होगा, बाहर वाला नहीं। तो ब्रेक स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज इंडिपेंडेंटली इन जावा प्रोग्राम, इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होगा, इट कैन ओनली बी रिटर्न इनसाइड द लूप और स्विच स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये दो चीज़ों के अंदर ही हम ब्रेक को लगाते हैं, लूप स्टेटमेंट के अंदर या स्विच स्टेटमेंट के अंदर। इसका सिंटेक्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक प्रोग्राम है, ये हमने लूप यहाँ पे देखिए लूप, ब्रेक लगा मतलब या तो लूप होगा उस प्रोग्राम में या स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ब्रेक लगा मतलब ढूंढते हैं कि लूप के अंदर है या स्विच, तो यहाँ पे है लूप, लूप की बॉडी यहाँ स्टार्ट है, ये कुछ प्रिंट हो रहा है। लूप के अंदर इफ लगाया हुआ है, चेक करेगा अगर इफ आई इक्वल टू इक्वल टू सिक्स, अगर आई की वैल्यू सिक्स है तो ये ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस बॉडी के अंदर ब्रेक लगा है सिर्फ वहां से ब्रेक होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, ब्रेक से अपोजिट, अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट डजेंट ब्रेक द लूप, ये लूप को ब्रेक नहीं करेगा, बट इट स्किप्स द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लूप एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप इमीडिएटली। कंटिन्यू को स्किप करने के लिए यूज करते हैं, कंटिन्यू मतलब स्किप। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एग्रीमेंट वहाँ पढ़ने का आता है, चाहे कुछ टिक करने का आता है, उसमें का आता है स्किप है ना और एग्री, तो स्किप करने का ऑप्शन होता है ना, स्किप मतलब कंटिन्यू करते हो आप नेक्स्ट पार्ट में, तो इस तरीके से कंटिन्यू यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए क्या है, ये नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज हो रहा है। अब यहाँ पे चेक करें अगर जे फोर है, जे इक्वल टू फोर, तो यहाँ पे कर दिया कंटिन्यू, मतलब जे जब फोर है तो उसको स्किप करके फिर अगले पे चले जाओ। जे फोर होने, जब फोर मैच करेगा तो उस टाइम पे जो प्रिंट करना था उसको नहीं प्रिंट करके स्किप कर देंगे, अगले पे चले जाओ। तो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी हमने इसमें यूनिट फोर में क्या देखा, एक्सप्रेशंस, कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट जो हैं और लूप। लूप में व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर इच लूप और फॉर लूप।